कंट्रोवर्सी और कंगना रनौत का रिश्ता काफ़ी पुराना है। कंगना अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने एक कॉमेडियन पर निशाना साधा है। आपको बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ। देश में महिलाओं की स्थिति पर कॉमेडियन वीरदास का बयान विवादों में घिर चुका है। वो अपने बयान को लेकर अपॉलोजी भी जाहिर कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इनमें एक नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी है। एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही उनके बयानों को आतंकवाद से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबी पोस्ट साझा की और उनके काम की तुलना आतंकवाद से कर दी। कंगना ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, जब आप सभी भारतीय पुरुषों को सामूहिक बलात्कारी के रूप में सामान्यीकृत करते हो तो यह दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ावा देता है। चर्चिल ने बंगाल में पड़े अकाल के दौरान मदद करने को लेकर होने वाले विचार विमर्श के दौरान कहा था कि भारत के लिए कोई भी मदद नाकाफी होगी, क्योंकि भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, वे इस तरह मरने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने भूख के कारण लाखों लोगों की मौत के लिए भारतीयों की प्रजनन क्षमता को ही दोषी ठहराया। पूरी जाति को टारगेट करने वाला ऐसा रचनात्मक कार्य आतंकवाद से कम नहीं है। ऐसे अपराधियों यानी ये वीरदास की ओर इशारा कर रही हैं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वीरदास ने आखिर क्या कहा था कि इतना बवाल मच गया, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कॉमेडियन वीरदास का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देश के कथित तौर पर दोहरे चरित्र का जिक्र किया। उन्हें ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि मैं ऐसे देश भारत से आता हूँ जहाँ दिन में महिलाओं की पूजा होती है और रात में उनके साथ रेप होता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ आप एयर क्वालिटी इंडेक्स 9000 है, पर फिर भी हम अपनी छतों पर लेट कर रात में तारे गिनते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम वेजिटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें किसानों को कष्ट देते हैं। इस वीडियो को लेकर वो विवादों में घिर गए हैं, हालांकि उन्होंने अपनी लाइन के लिए माफ़ी मांग ली। वीडियो अमेरिका में हुए एक शो का बताया जा रहा है। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ केस भी हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशुतोष जे दुबे और बीजेपी महाराष्ट्र के कानूनी सलाहकार ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वीरदास ने जानबूझकर भारत, भारतीय महिलाओं और भारत के पीएम के खिलाफ उकसाने वाले और अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ के साथ। धन्यवाद।